नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ही जस्ट फॉर अ चेंज एक ट्रैक्टर की सवारी हमने करी आज। आज का दोस्तों वीडियो का जो टॉपिक है वो वेनम वर्सेस पॉइजन है। काफ़ी ऑफन सुनने को मिलता है कि लोग वेनम और पॉइजन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभी कमेंट सेक्शन में भी हमारे एक वीडियो के दो व्यूअर्स जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, और एक कहता है कि ये पॉइजनस स्नेक है तो दूसरा व्यूअर उसको करेक्ट करता है, जो बताता है कि इट्स वेनम नॉट पॉइजन। तो हम आप लोगों की यही शंका दूर करने के लिए आज का ये वीडियो बनाने का हमने फैसला किया था। तो वेनम वर्सेस पॉइजन या वेनम और पॉइजन का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि इफ़ इट्स बाइट एंड यू डाई इट्स वेनम। अगर कोई चीज़ आपको काटे और आपकी उससे मृत्यु होती है तो वो वेनम है। अगर आप उस चीज़ को काटे और आपकी मृत्यु हो तो वो पॉइजन है। ये आम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं। वेनम को अफेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी में इंजेक्ट होना ज़रूरी है किसी माध्यम से। वहीं पॉइजन को इंजेक्ट नहीं करना पड़ता, वो आप उसको ओरली ले सकते हैं। समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं वेनम की, तो उसको असर दिखाने के लिए आपके ब्लड के कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में आता है तभी वो असर दिखा सकता है आगे का। और पॉइजन जो है वो आपके शरीर के अंदर किसी भी माध्यम से, वो चाहे आँखों के माध्यम से जाए, चाहे नाक के, कान के, मुंह से, किसी भी माध्यम से अगर वो आपके शरीर के भीतर पहुंच जाता है तो वो अपना असर जो है वो दिखा सकता है। तो दोस्तों वेनम बहुत सारे जानवरों में पाया जाता है। ये सलाइवा के थ्रू भी हो सकता है, ये प्रोटीन्स के थ्रू भी हो सकता है, ये एंजाइम्स के थ्रू भी हो सकता है। और पॉइजन जो है वो बॉडी एमिट करती है, रिलीज़ करती है, जैसे डार्ट फ्रॉग होता है। वो एक्चुअल में एंजाइम बेस्ड नहीं होता, वो क्या करता है कि जो दूसरे जहरीले या पॉइजनस या वेनमस जीवों को खाता है उनके बॉडी से वो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके अपनी बॉडी से रिलीज़ करता है। तो पॉइजन को वो खुद डेवलप नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे जानवरों से ले के उस चीज़ को अपने में स्टोर करके फिर उसको रिलीज़ करता है। देर इज़ नो सोर्स ऑफ मेकिंग पॉइजन इन देयर बॉडी। वेनम का जस्ट उल्टा होता है। वेनम जो वेनमस जीव होते हैं वो वेनम को प्रोड्यूस करते हैं खुद। अमित की विशेष टिप्पणी यहाँ पर। तो वेनम जो है ये बहुत सालों का एवोल्यूशन है। आपको ऐसे समझना होगा कि जो भी हम कहते हैं वेनमस जीव हैं, एग्जांपल के लिए हम सांपों को ले लेते हैं, तो सांप जो खा रहा है, जो भी चीज़ वो खा रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेनम की, तो वेनम भी कई सारी चीज़ों का एक कॉकटेल होता है, एक मिक्सचर होता है। प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, और उसमें आप अपने लार को भी जोड़ सकते हैं। तो सांप भी वही करते हैं जो वो भोजन करते हैं, जो वो खाते हैं, उसका एक हिस्सा प्रोटीन का एक हिस्सा हो, चाहे एंजाइम का एक हिस्सा हो, और वो अपने लार को उसमें मिला के, ये कई सालों के एवोल्यूशन से बना है, और वो अपने ग्लैंड में उसको जमा करते हैं, जो कि कहलाता है वेनम। एक चीज़ अक्षय मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि हम सांपों को आज जो जहरीले सांप हैं उनको हम आज एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। कुछ सांप ऐसे भी हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है रेड नेक्ड कीलबैक, जिनको बताया जाता है कि उनका जहर वाला जो दांत है, उनका जो फैंग है, वो मुँह में बहुत पीछे की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, और वो सीधे किसी को बाइट नहीं कर सकते जब तक वो अपने शिकार को पकड़ के अपने जबड़े में अंदर ना लेके जाए। जब वो अंदर लेके जाते हैं और शिकार बहुत ज़्यादा फाइट करता है, तब उसको जो न्यूट्रलाइज करने के लिए वो अपने पीछे वाले दांत से जहर उसमें इंजेक्ट करता है। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि एक्चुअली में अपने शिकार को न्यूट्रलाइज करने का ये तरीका फ्रंट टीथ वाले मेथड से ज़्यादा पुराना है। ज़्यादा पुराना तरीका ये है कि आपके पीछे, मुंह के पीछे की ओर वो दांत होता था, और आप कभी कभी उसको यूज करते थे, बार बार नहीं। जो शिकार बड़े शिकारों के लिए, जो शिकार आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा फाइट बैक कर रहा है, तब आप न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको यूज़ करते थे। अब जो हम वेनम में सांप देख रहे हैं, जिनके दांत जो हैं सामने होते हैं, चाहे वो कोबराज हों, चाहे वो वाइपर्स हों, इवन करैत को भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। हालांकि उनके दांत थोड़े पीछे होते हैं, लेकिन बहुत पीछे नहीं होते हैं, सामने की ओर
होते हैं। इसका एक एग्जांपल है कोमोडो ड्रैगन, वो भी बैक्टीरिया बेस्ड ही उसका वेनम रहता है और वो अटैक करके तुरंत नहीं मार पाता अपने जो उसका शिकार होता है, उसको अपने शिकार को मारने के लिए 7 से 8 दिन लगते हैं। उसका वेनम पावरफुल होता है लेकिन बैक्टीरिया बेस्ड वेनम होता है, अटैक उसका जो क्या कहना चाहिए इम्पैक्ट होता है या फिर जो असर होता है वो टिपिकल आपको हेमाटॉक्सिक वेनम जैसा असर दिखेगा आपको, लेकिन इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम देन अ नॉर्मल वाइपर्स बाइट और अ हेमाटॉक्सिक वेनम्स बाइट। काफ़ी समय लगता है और एक कोमोडो ड्रैगन जो है अपने शिकार का काफ़ी दिनों तक पीछा करता है। और कोमोडो ड्रैगन के अगर शिकारों की बात की जाए तो वाटर बफलो, वील्ड बीस्ट, ये जो बड़े बड़े साइज़ के जानवर होते हैं वो उनका शिकार करता है, ना कि छोटे मोटे दूसरे जीवों का। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात अक्षय ने बताई कि बड़े शिकारों का जो है शिकार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेनम। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं या सवाल दिमाग में आते होंगे कि सांपों के पास ये जहर होता क्यों है, क्या सिर्फ उनकी रक्षा के लिए? तो वो तो भाग के भी अपने आप को बचा सकते हैं, इससे बहुत से जीव होते हैं। आपको ये समझना होगा कि सांपों ने उस जहर को पाने के लिए एवोल्यूशन का जो ये प्रोसेस है उसमें बहुत कुछ खोया भी है। अगर जहर उन्होंने पाया है तो उन्होंने बहुत कुछ खोया भी है। आप देखेंगे सांपों के पास ना तो चबाने वाले दांत होते हैं, ना तो उनके हाथ पैर होते हैं, वो सिर्फ रेंग सकते हैं। और जहर क्या काम करता है? जहर उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करवाता है, जहर उनको खाना पकड़ने में भी मदद करता है, इवन उनके खाना खाने से पहले उनका खाना जो है डाइजेस्ट होना भी शुरू हो जाता है, जिससे कि उनके पेट पे दबाव कम पड़े, प्रेशर कम पड़े उस खाने को पचाने में, क्योंकि वो चबा नहीं सकते खाना। इसलिए ही जो ऑस्ट्रेलियन स्नेक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेडली होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक तरह से मरुस्थली कहा जाए। 52% ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ टोटली डेजर्ट, टोटली रेगिस्तान है, मरुस्थल है, और वहाँ पर खाना बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता जीवों के लिए। इसलिए ही जो ऑस्ट्रेलियन स्नेक्स होते हैं उनका वेनम इतना तेज़ होता है कि बाइट करते साथ ही शिकार अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि ऑब्वियस है उनको शिकार के मौके बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाते। तो जो मौके उनको मिलते हैं उनको उस मौके का जो है लाभ पूरा उठाना होता है। इसलिए ही ऑस्ट्रेलियन स्नेक्स जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होता है उनका वेनम और कंपेयरिंग टू द अदर स्नेक्स ऑफ अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी भरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एक चीज़ और, आज हम लोग हमारे एनालिटिकल पेज पर देख रहे थे यूट्यूब के कि ऑलमोस्ट 52% ऑफ द व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगता है हमको कि आप देख ज़रूर रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन विल हेल्प अस टू ग्रो मोर एंड ब्रिंग यू मोर क्वालिटी कंटेंट देन नाउ। हम अभी से अच्छा कंटेंट आपको देंगे और बेहतर हर बार करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अक्षय ने यहाँ पॉइंट उठाया कि अगर आप हमसे और जानकारी लेना चाहते हैं और अच्छे कंटेंट्स आप देखना चाहते हैं तो हमारा व्यूअर्स का जो दायरा है वो बढ़ना होगा, ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स हमारे इंक्रीज होने होंगे। और शेयर जो है वो आपका एक एक शेयर जो है वो हमारे लिए लाइफलाइन का काम करेगा। बिल्कुल। So keep watching friends our channel and please do subscribe and like our video. It really matters a lot. एक thumbs up अगर आप देते हैं तो वो हमारे लिए एक booster का काम करता है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो नीचे आपको red icon दिख रहा है इसको आप hit करें, subscribe करें हमारे channel को, और बिल्कुल like ज़रूर करें और share भी करें ताकि हम अपनी growth और range को बढ़ा सकें। आज के लिए इतना ही। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा अक्षय जी को टोक के, दोस्तों हम तमाशा नहीं दिखाते, हम शो ऑफ नहीं करते, और हमारी पूरी टीम चाहेगी कि आपका सपोर्ट भी ऐसे लोगों को ज़्यादा हो जो आपको क्वालिटी कंटेंट दें, जो आपको जीवों की समझ बताएं, जो आपको समझने में मदद करें बजाय के तमाशा दिखाने के। हम भी चाहें तो ग्लव्स और बूट डाल के जो है आपको तमाशा दिखा सकते हैं सांपों के साथ, लेकिन हमारा मकसद अलग है, दिखाना बिल्कुल नहीं है। उन जीवों की रक्षा करना है और उन जीवों से आपका परिचय करवाना है ताकि समाज में जो इन जीवों का डर है समझ के बगैर वो दूर हो सके। आप में उनकी समझ जो है वो आए अच्छी तरीके से, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अल्टीमेटली हमारा एम जो है वो सिर्फ ये है कि
लोगों में इन सांपों का, किसी भी जंगली जीव का डर कम हो। आप जैसे जैसे जीवों को समझते हैं, उनके व्यवहार को समझने लगते हैं, आप उन, आपका जो डर है उनके प्रति वो कम होता जाता है और सम्मान बढ़ता जाता है। तो इसी सम्मान की बात को ध्यान रखते हुए आप थोड़ा सा हमें सम्मानित करिए, लाइक करके और शेयर करके, सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।